नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे परिवार हैं जो उड़ीसा रेल दुर्घटना के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने परिजन खो दिए, कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह घायल हुए और पता नहीं कि आगे वो जिंदगी कैसे काटेंगे। सो उनकी मदद करने के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पर अगर आप उस परिवार का कोई हिस्सा है या उस परिवार को जानते हैं या हमें उनसे कनेक्ट कर सकते हैं तो आप प्लीज़ इस पे SMS भेजिए। याद रखिए, इस पे आपको फ़ोन नहीं करना है, सिर्फ SMS भेजना है और आप हमें उस परिवार के साथ जुड़े। हम लोग कोशिश करेंगे कि वापस कैसे उसे अपने वापस पैरों पर खड़ा किया जा सकता है, चाहे उसे नौकरी दी जाए या उसके लिए छोटा सा कोई कारोबार या बिजनेस बनाया जाए उन्हीं के गांव के अंदर, या उनके अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से मदद नहीं पहुंच रही है, तो हम लोग वो भी कोशिश करेंगे। याद रखिए कि ये नंबर सिर्फ उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए है और आपको सिर्फ SMS करना है। हमारी एक छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास मेरा सू चैरिटी फाउंडेशन का कि किस तरह हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर आप इसे शेयर करेंगे या फिर उन लोगों से हमें जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरह हम वापस आपको आपके घर पर खड़ा कर पाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे परिवार हैं जो उड़ीसा रेल दुर्घटना के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने परिजन खो दिए, कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह घायल हुए और पता नहीं कि आगे वो जिंदगी कैसे काटेंगे। सो उनकी मदद करने के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पर अगर आप उस परिवार का कोई हिस्सा है या उस परिवार को जानते हैं या हमें उनसे कनेक्ट कर सकते हैं तो आप प्लीज़ इस पे SMS भेजिए। याद रखिए, इस पे आपको फ़ोन नहीं करना है, सिर्फ SMS भेजना है और आप हमें उस परिवार के साथ जुड़े। हम लोग कोशिश करेंगे कि वापस कैसे उसे अपने वापस पैरों पर खड़ा किया जा सकता है, चाहे उसे नौकरी दी जाए या उसके लिए छोटा सा कोई कारोबार या बिजनेस बनाया जाए उन्हीं के गांव के अंदर, या उनके अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से मदद नहीं पहुंच रही है, तो हम लोग वो भी कोशिश करेंगे। याद रखिए कि ये नंबर सिर्फ उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए है और आपको सिर्फ SMS करना है। हमारी एक छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास मेरा सू चैरिटी फाउंडेशन का कि किस तरह हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर आप इसे शेयर करेंगे या फिर उन लोगों से हमें जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरह हम वापस आपको।